गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट लेसन नैचुरल रिसोर्सेज एयर वॉटर एंड पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसमें एयर के बारे में पढ़ा था नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वॉटर नेचुरल रिसोर्सेस वॉटर सो वी एज वी नो कि वाटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसी के आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सो ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज़ यूज फॉर व्हाट पर्पज़ इट इज़ यूज इन योर हाउस फॉर वोल्ड आपको क्या करना है कि आपके घर में ये एक टेबल दिया है अब बात के लिए कितना पानी लगता है फिर ब्रश के लिए कितना लगता है वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए एंड यूटेंसिल्स के लिए कितना लगता है मॉपिंग द फ्लोर यानी पोछा लगाने के लिए ड्रिंकिंग और कुकिंग इस सब के लिए कितना लगता है ये आपको करना है एंड डिस्कस दिस डाटा इन द क्लास और आपको ये डाटा आपको क्लास में डिस्कस करना है डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड्स तो आपके घर में अगर मान लो पाँच लीटर का टाकी है तो पाँच लीटर का टाकी कितने लोगों को कितना पानी लगता है यह ऑब्जर्व करने के लिए आप करिए अब मैंने ये अप्रॉक्जिमेट ये दिया है इसी प्रकार से आपको करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल बाथिंग के लिए मुझे पाँच लीटर ब्रशिंग के लिए आधा लीटर वॉशिंग क्लोथ्स के लिए तीन लीटर यूटेंसिल्स के लिए तीन लीटर मॉपिंग फ्लोर के लिए दो लीटर ड्रिंकिंग के लिए दो लीटर कुकिंग के लिए तीन लीटर ऐसा मुझे लगता है तो मुझे अकेले को ट्वेंटी लीटर्स या ट्वेंटी पॉइंट फाइव लीटर्स मुझे लगता है मेरे घर में यदि तीन लोग हैं तो मुझे कितना लगेगा फिर हमारे घर में कितना पानी होता है ये तो अप्रॉक्जिमेट है मुझे केवल इतना ही नहीं लगेगा इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है बट एक अप्रॉक्सिमेट आपको फाइंड आउट करना है और ऐसा एक टेबल बनाना है देन यू हैव टू सी यू विल सी दैट ऑलमोस्ट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर अगर हमको एक भी दिन पानी नहीं मिला तो क्या हमको चल सकता है नहीं वी नीड टू ड्रिंक थ्री टू फोर लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे सो दैट ऑल ओवर बॉडीली फंक्शंस रन स्मूथली अभी जैसे डॉक्टर भी कई बार बताते हैं सर भी आपको कई बार बताते हैं कि यू नीड टू ड्रिंक थ्री टू फोर लीटर्स अगर छोटे बच्चे हैं तो दो लीटर तक बड़े व्यक्ति है तो तीन से चार लीटर तक उनको पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी की जो सारी फंक्शंस है वो स्मूथली चलती रहे सो अदर लिविंग थिंग्स आल्सो रिक्वायर्ड वाटर ऑल दो अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे बी वेर आई अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ देयर बॉडी अभी हमने जैसे देखा कि चूहे को बहुत कम पानी लगता है लेकिन हाथी हाथी को उससे ज़्यादा पानी लगता है तो हर एनिमल को चाहे वो छोटे से छोटा जीव जंतु हो या कीड़ा हो उससे लेके बड़े से बड़े हाथी तक एवरी वन नीड्स द वॉटर लेकिन उनकी बॉडी के साइज़ के आधार पे वो परसेंटेज या वो जो क्वांटिटी है वो वेराई करती है इफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर इट कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म देखो पानी का जो निर्माण है वो इतना आसान नहीं है हम लोग लेबोरेटरी में पानी का निर्माण कर सकते हैं बट बहुत कम मात्रा में निर्माण कर सकते हवा में जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ जब ऑक्सीजन मिश्रित होता है तो वाटर फॉर्म होता है वी लर्न अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स तो हमने पिछली कक्षाओं में जो पानी के गुणधर्म हैं उनके बारे में पढ़ा है अब हमको यहाँ पर थोड़ी और बातें जाननी है इन ए नीचर वाटर ऑकर्स इन थ्री स्टेट्स तो पानी जैसे हमको नेचर में पर्यावरण में हमको पानी तीन स्वरूप में पाया जाता है पहला है पानी ठोस रूप में पाया जाता है द्रव रूप में पाया जाता है और गैस रूप में यानी लिक्विड गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है गैसियस स्टेट में पाया जाता है और ठोस रूप में भी हमको पाया जाता है सो वाटर डज नॉट हैव कलर टेस्ट और ऑर्डर वाटर को कोई भी कलर नहीं होता है कोई भी टेस्ट नहीं होता है कोई भी गंध नहीं होता है तो गटर से जो बदबू आती है वो पानी की नहीं होती पानी में मिश्रित गंदगी की होती है मेनी सब्सटेंसेस रेडिली डिजॉल्व इन वाटर तो कई सारे पदार्थ हैं जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं देयर फॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन द प्लांट कंटेन्स वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर हमारे शरीर में जो खून है उस खून में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदउट वाटर कोई भी जो जीवित है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है इसीलिए वाटर इज लाइफ यानी जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है नेक्स्ट नाउ लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ हमारे पृथ्वी पर जितना भी पानी है उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ कितना पानी पाया जाता है वो ध्यान दो अब अब ये अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये नीला पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है जो कि सीज एंड ओशियंस ये हमको समंदर और महासागर इनमें ही सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है उसके बाद है ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर इन फॉर्म ऑफ इन अदर फॉर्म्स तो देखो ग्राउंड वाटर माने जो जमीन के अंदर है आइस माने जो बर्फ के इसमें है सॉलिड रूप में है और uh, जो अदर फॉर्म्स में जैसे वेपर फॉर्म में है या और फॉर्म में है वो उसके बाद इसका नंबर आता है और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग तो देखो ये जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा दिख रहा है वही हमको पानी केवल पीने के लिए अवेलेबल है तो अगर हमारे पास 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर में से केवल 0.03 परसेंट केवल 0.03 परसेंट पानी हमको अवेलेबल है जैसे देखो यहाँ पे आपको बताया कि सीज और ओशंस में 97 परसेंट पानी है जो हमारा पूरा पानी है पृथ्वी पर उसमें से 97 परसेंट सीज और ओशंस में है दूसरा 2.7 पॉइंट सेवन परसेंट कहाँ पर है ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स अब वाटर ड्रिंकिंग फॉर अवेलेबल कितना हो गया 0.3 परसेंट तो 0.3 परसेंट मतलब एक परसेंट भी नहीं है अगर 100 लीटर में से एक लीटर भी नहीं है तीन सौ मिलीलीटर मान के चलो इतना ही पानी हमको पीने योग्य पानी है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी हमारे लिए कितना कम है कितना कम मात्रा में अवेलेबल है और हम लोग उसका वेस्ट कितना कर रहे हैं सो वी कैन नॉट यूज़ ऑल द वॉटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी सम वाटर इज इन फ्रोजन स्टेट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग येट इट इज इनफ फॉर लिविंग थिंग्स तो ये केवल जीरो पॉइंट तीन परसेंट है तो भी वो हमारे लिए पर्याप्त है अगर हम उसे गंदा नहीं करते हैं तो सो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको पॉल्यूटेड ना करें देन द नेक्स्ट इज फाइंड आउट आपको ये फाइंड आउट करने इन वॉट वेज इज द वॉटर इन सीज एंड ओ सी एन यूजफुल इवन दो इट इज सॉल्टी अभी देखो ये सॉल्टी है हमारे खेती के काम नहीं आता है पीने के काम नहीं आता है, तो फिर ये समंदर के पानी का उपयोग क्या है जैसे कि आपने वाटर साइकिल पढ़ा है तो उस वाटर साइकिल में हमने देखा कि समंदर का पानी भाप बन के हवा में जाता है उससे फिर वो क्लाउड्स तैयार करते हैं यानी बादल तैयार करते हैं उन्हीं बादलों से बारिश होती है अगर समंदर का पानी नहीं होता तो हमको पीने का पानी नहीं मिलता नाउ लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली यूजेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ अब हमारे हाँ, पृथ्वी पर पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं देखो पहला ये जो फैक्ट्रीज है ये भी पानी का उपयोग कर रहे हैं ये गांव है ये भी पानी का उपयोग कर रहा है ये ट्रैक्टर uh, वाले वगैरह है जो मशीन धोने के लिए ये करने के लिए ये भी पानी का उपयोग कर रहे हैं कुछ लोग कपड़े धोने के लिए कुछ लोग नहाने के लिए इसका अलग अलग तरीके से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो खेती के लिए भी पानी का उपयोग किया जा रहा है सो वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स रिवर्स पॉन्ड्स स्प्रिंग्स एंड लेक्स सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है पानी के पहला है स्ट्रीम्स यानी जो छोटे मोटे नाले होते फिर रिवर्स नदियाँ पॉन्ड्स माने तालाब स्प्रिंग्स माने स्प्रिंग्स माने जो ऊपर से नीचे गिरने वाले पानी होता है ना झरने बोलते हैं हम लोग उनको और लेक्स लेक्स माने भी तालाब के जैसे ही होते हैं जो चारों तरफ से पानी से ज़मीन से घिरे होते मैन आल्सो डिग्स वेल्स एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर तो इंसान और क्या करता है जमीन के अंदर का पानी निकालने के लिए बोरवेल बनाता है फिर अपार्ट फ्रॉम दिस मैन हैज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बॉन्ड्स एंड डैम्स ऑफ वेरियस साइजेस ऑन रिवर अभी आपने देखा होगा कि ये यह यहाँ पर इस नदी पर ये डैम बनाया गया है ड्यू टू अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इंडस्ट्री फॉर्मिंग इट इज़ नाउ इन शॉर्ट सप्लाई देखो पानी का शॉर्ट सप्लाई क्यों है क्योंकि अनकंट्रोल पॉल्यूशन हो रहा है उसके बाद आ, हम लोग जो पानी है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए स्कारसिटी यानी कम कमी हमको दिखाई दे रही है उसके बाद है अब ये चार आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ये समंदर या नदी है इसमें देखो ये पूरा गटर का पानी है इसमें कई प्रकार की गंदगियाँ छोड़ जाती है ये फैक्ट्रीज है ये भी कई प्रकार की गंदगी है गाँव में ये लोग क्या कर रहे हैं कपड़े धो रहे भैंस धो रहे सब यही धो रहे हैं ये भी गाँव का चित्र है सो so, इससे ये इसका क्या हो रहा है इससे पानी का प्रदूषण हो रहा है डू अदर लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर लाइक वी डू अभी हम लोग इतना पानी का प्रदूषण कर रहे हैं क्या हमारी तरह ही बाकी जानवर भी पानी का प्रदूषण करते हैं वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वान्टिटी हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल अभी मैंने बताया था तुमको कि समंदर के पानी का उपयोग वाटर साइकिल में होता है तो वाटर साइकिल से ही हमारा पानी आता है द वाटर वेपर फॉर्म्ड ओशियंस इन मेन सोर्स ऑफ वाटर इन वाटर साइकिल इट गेट्स कन्वर्टेड टू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑन अर्थ तो अभी जैसे मैंने बताया कि समंदर का पानी भाप बन के जाता है फिर बादल बनता है बादल से फिर बारिश के रूप में वही पानी हमको उपयोग में आता है तो समंदर का पानी इस प्रकार से हमारे उपयोग में आता है देन द नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है यूज वाटर स्पैरिंगली मतलब कंजूसी से आपको पानी का उपयोग करना है ब्लॉक वाटर लेट इट परक्यूलेट अब पानी अक्सर क्या होता है बारिश बहुत तेज़ बारिश आती है और बह के नाले में जाती है नाले से गटर बड़े वाले गटर में जाती है और वहाँ से नदी के द्वारा या नाले के द्वारा समंदर में चले जाते हैं तो समंदर में एक बार पानी गया उसका कुछ उपयोग नहीं है तो हमें क्या करना है पानी को ब्लॉक करना है जिससे क्या होगा पानी जमीन के अंदर रिश्ते जाएगा जिससे ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका परसेंटेज पड़ेगा स्टोर वाटर वेयर एवर पॉसिबल आपको जहाँ संभव हो वह पानी को स्टोर करके रखिए क्योंकि जैसे हमने थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा कि पानी कभी भी बासी नहीं होता वो कभी भी खराब नहीं होता तो हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए वेर एवर पॉसिबल रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल रिमेंबर स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस अभी फिर से हम लोग वही बात सीख रहे हैं कि इट डज नॉट स्टेल अगर हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं वो कभी भी बासी नहीं होता इट डज नॉट स्टेल सो री आपको रीयूज़ करना है वेर एवर इट इज़ पॉसिबल सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉटर सो वी शुड नाट यूज़ वाटर इन सच वे दैट इट गेट्स पॉल्यूटेड और हमको वी मस्ट यूज़ वाटर sparingly यानी कंजूसी से हमको उसका उपयोग करना है थैंक यू